खबर कोतवाली थाना क्षेत्र से आ रही है। यहां डबरा की रहने वाली दो सगी बहनें अपने प्रेमी के साथ भागकर शिवपुरी आ गईं और कोर्ट में शादी करने की कोशिश की, लेकिन उनके इस कृत्य की खबर युवती के भाइयों को लगी तो वो भी पीछे पीछे शिवपुरी आ गए। यहां उन्होंने पहले युवती को प्रेमी से छुड़ाया और उसके बाद उसकी बहनों की जमकर कुटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसके वाहनों को भी तोड़फोड़ की। मारपीट होती देख मौके पर भीड़ जमा हो गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को पकड़कर थाने ले आई। युवतियों ने बताया कि राहुल यादव और रावत और प्रमोद रावत एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनके मकान में किराए से वो रहने आए थे। इसी दौरान युवकों से प्यार हो गया। इस बात का पता परिजनों को चला तो उन्होंने शादी कराने से इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। इसलिए हम दोनों के साथ शादी करने के लिए शिवपुरी आए थे। प्रेमी के साथ उड़नछू होकर आई प्रेमिका, पीछे से पहुंच गए भाई और दोस्त और कर दी जमकर पिटाई। हम दोनों अपनी मर्जी से अपनी शादी करना चाहते थे, उन्हें तकलीफ हुई, हमें जिंदा मारना चाहते थे हमारे घर वाले, इसलिए हम बात करा कर शादी करना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पर देख लिया और हमें मारा, मारपीट की, हमारे साथ छेड़छाड़। राहुल रावत, ये कहाँ का है? डबरा सांगली। तो डबरा से आप शिवपुरी शादी करने आए? हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी? 19 की। 18। उन लड़के कौन है जो उनको तुम्हारे साथ मारपीट की? मौसी के लड़के हैं शिवम सिवारे और एक का नाम उसका भाई, उसका दोस्त का एक भाई, उसने गालों में भी मारा बहुत जोर जोर से, उसके साथ फेंक फेंक के मारे उन्होंने हमने। उसके साथ और कौन कौन आया था? दोस्त है उसके, 10 दोस्त है। अच्छा, तो उनको जानकारी कहाँ से मिली कि आप अभी इस? घर वालों ने बोल दिया होगा, किसी ने जासूस तो लगे ही रहते हैं। एक और साथ में जो आपकी सिस्टर है वो भी, क्या दोनों भाई है या दोस्त है? कैसे आप लोग कैसे मिले थे, कैसे कनेक्ट हुए थे? साथ में मुलाकात कैसे हुई जो शादी करने की बात आ गई? जो रहते थे हमारे यहाँ। कहाँ पे? डबरा में। क्या काम करते थे? ये ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा, अभी भी रहते हैं वहीं है? नहीं, वो तो गांव रहते हैं, उनका गांव तो यहाँ किराए से रहते थे। अच्छा, कितने लोगों ने मारा था भैया? दो मौसी के लड़के थे और उन्हीं के साथ उनके दोस्त थे, बस गाली थी गंदी गंदी और मारा बहुत। क्या नाम है मौसी के लड़के? शिवम सिवारे और उसके छोटा भाई साहब हर्ष सिवारे। अभी सूचना मिली थी कि कोर्ट में कुछ वाद विवाद हो रहा है, मैं तत्काल मौके पर पहुंचा था तो उनको लेके आ गया हूँ। जानकारी मिली है कि दो लड़कियाँ हैं और ये डबरा की रहने वाली है। ये दो लड़कों के साथ में ये भागी थी डबरा थाने में, वहाँ गुमसुदगी दर्ज है। यहाँ पर ये शायद शादी करने के चक्कर में किसी वकील वगैरह से मिलने आए थे, तो इनके जो लड़कियों के परिजन थे, उनके मौसी के लड़के वगैरह 3-4 लड़के, इन लोगों ने रोका राखी करके उनके साथ में झूमा झटकी की और उनको लड़कों से चलाने की कोशिश की, लड़कों के साथ मारपीट करने की कोशिश करी है।